लोग अभी बाहर आए पार्टी करने के लिए, पार्टी किस खुशी में, बिकॉज समित को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। ये कैसा फील हो रहा है आज? तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, टेंशन में थे? हाँ थोड़ा बहुत तो था सुबह। मैं तो पूरी रात सो नहीं पाई। मैं सो गया था, उतना टेंशन नहीं रहा मतलब। हाँ ये तो है एक्चुअली ना, जब भी कुछ भी होता है, झगड़ा भी होता है, ये सो जाता है 2 सेकंड के अंदर। मैं पूरी रात जग जाती हूँ। आज भी ये हुआ, इसको टेस्ट देने जाना था, ये सो रहा था, मैं पूरी रात इधर उधर 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 मैं तो मैं उठ गया था अराउंड 4:30 से पहले उठ गया था। एक्चुअली मैंने अलार्म लगाया था 4:50 का, अलार्म से पहले मैं उठ गया था। हमारा उठ गई थी 4:30 बजे, तो हम भी उठ गए। हमारा कॉफ़ी भी आ चुका है एंड ब्रेकफास्ट भी आएगा। अभी कितना बज रहा है टाइम? टाइम 4:30 बजे, तो तुम 4 बजे उठे थे। 4:30-4:45 बजे तक वो उठ गई थी, मैं 5:10 तक उठ गई थी, क्योंकि मैं तो ऐसे वैसे ही कर रही थी। हाँ तो मैं सुबह उठ के नहा लिया था, मैं सोचा थोड़ा फ्रेश होके जाता हूँ, और नहाने के बाद मैं थोड़ा बैठ के मेडिटेशन किया 5-10 मिनट, फिर तैयार हो गया और ऑलमोस्ट मतलब वो माइंडसेट में आ गया था टेस्ट देने के। अच्छा तब तो ठीक ही है। गाइस, यूके का ड्राइविंग लाइसेंस मिलना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे 3-4 बार मिनिमम टेस्ट दे देते हैं, प्रैक्टिकल जो है कुछ नहीं मिलता है। तो इसको एक बार में मिल गया, वो भी इसने 4 या 5 क्लासेस लिए थे, तो उसके अंदर इसको ऐसे मिल गया, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। पूरा डिटेल में बताते हैं घर जाके सबको, जिसने कैसे स्टार्ट किया, सब कुछ क्या क्या करना पड़ा, कितने क्लासेस लेने पड़े, क्लासेस के चार्जेस क्या होते हैं, कैसे बुक करना होता है, क्योंकि स्लॉट मिलना भी बहुत डिफिकल्ट है। तुम्हें फर्स्ट स्लॉट कब मिला था? पहला स्लॉट एक्चुअली मेरे एरिया का मिला ही नहीं था, तो और वो मुझे मिला था फरवरी में, बर्मिंघम का मिला था, जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया का मिला ही नहीं था इससे। तो यार मैं बताते हैं हम घर जाके, तुम सब कुछ बोल दो, कुछ बोल रहे थे। तो वही मतलब पहले बर्मिंघम का बुक कर लिया था, तो एक बार जब बुक कर लेते हैं तो बुकिंग रेफरेंस से वो चेंज कर सकते हैं, एरिया और डेट भी चेंज कर सकते हैं, और कंटिन्यूसली चेक कर ले करते रहना होता है जब मतलब कौन से डेट में अवेलेबल होता है। अभी बाकी घर जाके डिटेल्स देते हैं, यहाँ पे बहुत नॉइस हो रहा है, तो आराम से अभी ब्रेकफास्ट करके फिर शॉपिंग करने जाएंगे, फिर घर जाके सारा डिटेल्स देते हैं। टेस्टी लुकिंग ब्रेकफास्ट आया है, दिस लुक्स अमेजिंग। बॉन एपेटिट। Waiting for your... You can start. Okay, both can start. हम लोग इंडिया में कितने ज़्यादा ब्रेकफास्ट पे जाते थे ना, अभी बहुत कम हो चुका है। हाँ This is my Mediterranean breakfast. काफ़ी अच्छा खाना था, ज़्यादा ही फुल हो गए क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते जनरली। इंडिया से आने के बाद से ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, क्योंकि मैं फिर भी कभी कभी कर लेता हूँ हमारे के साथ। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही थी, और रात को मैं बहुत खा रही हूँ। लास्ट 1 महीने से तो मैंने फास्टिंग वास्टिंग सब छोड़ दिया है, इतना ठूस रही हूँ, तो फिर से शुरू करते हैं है ना। और अभी खाना खा के फिर शॉपिंग पे जाते हैं। हाँ बट ऐसा नहीं था, वो थोड़ा अलग था। ये देखो कारपेट है यहाँ पे, ये वाला घर वापस आ चुके हैं, और हम लोग डनलेम गए थे, और उसके बाद हम लोग गए थे B&M, कुछ चीज़ें घर की चीज़ें खरीदनी थी, तो इसलिए डनलेम से ख़रीद के लेके आए हैं। ये बहुत प्यारी प्यारी से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है प्लेट एंड बोल का सेट लेके आया है, बहुत सुंदर है, बहुत रॉयल वाला फील दे रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर इंडिया से लेते तो हाफ से हाफ प्राइस में मिल जाता,
यहाँ के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक प्लेट 7.5 pounds का था, 6.5 या 7.5 pounds का था। संबित बोल पाएगा, संबित अभी काम कर रहा है बाथरूम में। ये 2 pounds में हमें मिल गया है कोस्टर, बहुत क्यूट सा कोस्टर है, 4 का सेट है, 2 pounds में हमें मिल गया, बहुत सस्ता मिला है। एंड यहाँ पे ये फिटिंग कर रहा है संबित। अमो डोंट टच प्लीज, प्लीज डोंट टच। ये संबित ये फिट कर रहा है, ये डनलैम से लेके आए थे, एक ही पीस था ये ब्लैक कलर का, मैं गोल्ड ढूंढ रही थी, क्योंकि आप देखोगे सारी चीजें जो फिटिंग्स है गोल्ड है, बट सिल्वर और ब्लैक ही था, गोल्ड खत्म हो चुका था, और ये भी एक ही पीस था तो मैंने ब्लैक ले लिया। सिल्वर अच्छा नहीं लग रहा इस रूम के साथ, मतलब बाथरूम के साथ। तो ये है, और बहुत बड़ा था, केयरफुल, वो इस जगह पे फिट नहीं आता दूसरा जो था, तो ये जगह भी थोड़ा सा छोटा है ना। तो ये मैं अपना कोलेजिन पी रही हूँ, पीछे ये कपड़े धो के रखे हैं, मैंने फोल्ड करके रख दिया है, बेडशीट एंड डुबे कवर, ये ऊपर लेके जाना है, बट पहले थोड़ा सा कोलेजिन पी लेती हूँ। ये मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मेरीन कोलेजिन है। आप लोग कोलेजिन पीते हो क्या? अब मुझे लगता है 27 के बाद से हर किसी को कोलेजिन पीना चाहिए, इनफैक्ट 25 के बाद से, क्योंकि रिड्यूस होता है हर साल लड़कियों के बॉडी में कोलेजिन 1-5% रिड्यूस होता है, 30 के बाद से 1% करके रिड्यूस होता है कोलेजिन। तो इसी वजह से, और मेरे बॉडी में मुझे लगता है वैसे भी कोलेजिन नहीं है क्योंकि इतने स्ट्रेच मार्क्स है, तो इसीलिए ये पी के ख़त्म कर दूंगी। ये माया का ड्रेस मैंने कल धो के प्रेस करके रखा है, मतलब वॉशिंग मशीन में ही धोया था फिर प्रेस करके रखा है। मुझे इतना अच्छा कपड़े प्रेस करना नहीं आता है जितना संबित को आता है, फिर भी मैंने ट्राई किया है। इसका ये काम चल रहा है, की कुछ हो नर्सरी से आके, क्योंकि हम लोग शॉपिंग में गए थे, तो ये अपना जैकेट वहाँ पे फेंक के रखी है और यहाँ पे अपना काम कर रही है, और सो के इसका छोटा सा नैप हो गया। अगर घर में नैप लेती तो आराम से 2 घंटे का नैप होता, क्योंकि बाहर थे हम, तो इसलिए 40 मिनट के अंदर ये उठ गई है, हो गया। तो गाइस अभी शाम हो चुका है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।